नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी आर्मी चीफ के बयान पर मचे बवाल की, दिल्ली में थप्पड़ कांड पर आमने सामने आई बीजेपी और आपकी, जानेंगे कि कहां बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे अन्नदाता, और आखिर में बात होगी रूढ़िवादी विचारधाराओं को लांग कर नई शुरुआत करते सऊदी अरब की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी को झटका, विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश डारवाल को 14 दिन की जेल। राजस्थान में भड़का अन्नदाताओं का आक्रोश, कर्ज माफ के लिए वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ शुरू किया आंदोलन, पुलिस ने करीब 150 किसानों को किया गिरफ्तार। कल से दिल्ली के रामलीला मैदान में फिर गरजेंगे अन्ना हजारे, किसानों और लोकपाल बिल को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ करेंगे आंदोलन। सेना प्रमुख बिपिन रावत के बयान पर बवाल जारी, AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल बोले, सेना प्रमुख ने अपने अधिकार से बाहर जाकर की बात। रावत ने कहा था असम में बीजेपी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है AIUDF। कांग्रेस में शामिल हुए BSP के पूर्व नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा यह बदलते समय का संकेत। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 25 अंक गिरकर 33,819 पर बंद, निफ्टी भी 10,382 पर पहुंचा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सेना प्रमुख बिपिन रावत के असम में घुसपैठ और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पर दिए बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रावत के बयान पर सवाल उठाए हैं और साथ ही सेना प्रमुख को सियासी मामलों में दखल ना देने की हिदायत दी है। तो ऐसा क्या कहा बिपिन रावत ने जिस पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है, दिखाते हैं आपको। They have grown in a faster time frame than with the BJP grew over the years. When we talk of, you know, the Jansang with two members of parliament and where they have reached, the AIUDF is moving at a faster pace in the state of Assam. Finally, what will be the state of Assam, we'll have to take a call, I think, but we have to understand, we've got to appreciate to live with all the people who live in our region. तो सुना आपने, सेना प्रमुख बिपिन रावत असम में बढ़ रही बांग्लादेशी घुसपैठ पर बोलते बोलते असम की राजनीतिक पार्टी AIUDF यानी कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को घसीट लाए, जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है। दरअसल बिपिन रावत देश को अशांत करने के लिए पाकिस्तान और चीन को कोस रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान जम्मू की सीमा पर गोलियां बरसा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाक का साथी चीन पूर्वोत्तर की शांति को भंग करने के लिए परोक्ष युद्ध के तहत साजिश करके वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को भेज रहा है। उन्होंने कहा कि असम में बांग्लादेशी लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए असम की AIUDF नामक पार्टी का जिक्र करते हुए कहा, अगर आप इस पार्टी पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि देश में जनसंघ का विस्तार उतनी तेज गति से नहीं हुआ जितनी तेज गति से असम में AIUDF बढ़ रही है। आपको बता दें कि इस पार्टी को बांग्लादेश से आए अवैध मुस्लिम समुदाय का समर्थन है। बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में साल 2005 में ये फ्रंट खड़ा हुआ था। फिलहाल लोकसभा में उनके 3 सांसद और असम विधानसभा में 13 विधायक हैं। वहीं इस पूरे मामले में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का जिक्र करके अब बिपिन रावत मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर आ गए हैं। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि आर्मी चीफ को राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसी राजनीतिक पार्टी के उदय पर बयान देना उनका काम नहीं है। लोकतंत्र और संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। सेना हमेशा एक निर्वाचित नेतृत्व के तहत काम करती है। ओवैसी के साथ साथ कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने भी रावत के बयान की निंदा की है। आर्मी चीफ के बयान पर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियों ने बिपिन रावत के इस बयान पर उन्हें घेर लिया है। वैसे बवाल तो दिल्ली में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट और बदसलूकी को लेकर भी मचा हुआ है। इस मामले में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। बीजेपी ने जहां आप विधायकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के घर के बाहर हल्ला बोल किया, तो वहीं आपने भी मंत्री के साथ मारपीट की साजिश रचने का आरोप लगाकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर घेराव किया है। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से बदसलूकी और आप सरकार के मंत्रियों से मारपीट मामले में दंगल छिड़ गया है। इस मुद्दे को उठाकर आपको घेरने के लिए बीजेपी की फौज आज डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के घर के बाहर पहुंची और सरकार का पुतला फूंककर नारेबाजी की।
बीजेपी ने सरकार पर अफसरों की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी के हल्ला बोल के बाद आपके नेता भी कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी आईएएस अफसरों के जरिए मंत्रियों से मारपीट मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। आप नेता अलका लांबा ने कहा कि गृह मंत्री पक्षपात के आधार पर काम कर रहे हैं। नीरव मोदी जैसे व्यक्ति पर भी एफआईआर हुई है, लेकिन उन पर कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर आप विधायकों पर इस प्रकार की कार्रवाई क्यों? उन्होंने कहा कि मारपीट हमारे मंत्रियों के साथ भी हुई है, तो अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं? आपको बता दें कि मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से बदसलूकी मामले में आम आदमी पार्टी के दो विधायक प्रकाश जारवाल और अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन के साथ हाथापाई को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे लेकर आपके नेताओं को अपना बचाव करने का मौका मिल गया और तभी वो बीजेपी के वार का जमकर पलटवार भी कर रहे हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट। तो दिल्ली में जहां इस मामले में बीजेपी आप सरकार को घेरने में लगी है, वहीं राजस्थान में किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। हजारों की संख्या में किसान वसुंधरा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर सड़कों पर उतर आए हैं। अन्नदाताओं ने राजे को जगाने के लिए जयपुर में विधानसभा की ओर कूच किया, लेकिन तभी पुलिस ने लगभग 150 से ज्यादा किसानों को हिरासत में ले लिया। देश के किसानों में इतनी ताकत है कि वो सरकार को बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं, लेकिन सरकार शायद इस ताकत को नहीं जानती, तभी तो चुनाव में किए वादों को भूल जाती है। राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार भी चुनाव में किए गए वादों को भूल गई है, इसलिए राजे को जगाने के लिए अब किसानों को खुद सड़कों पर उतरना पड़ा। राजस्थान में अन्नदाताओं ने सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए सीकर से लेकर अलवर और बीकानेर से लेकर जयपुर तक प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में किसानों ने इकट्ठा होकर विधानसभा को घेरने के लिए जयपुर की ओर कूच किया। किसानों का आरोप है कि सरकार ने कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन अब तक वो पूरा नहीं हुआ है। राज्य किसानों की अनदेखी कर रही हैं, इसीलिए हमें आंदोलन पर उतरना पड़ा। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार का रुख सही नहीं रहा तो आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। वहीं जयपुर की ओर बढ़ रहे किसानों को पुलिस ने नाकाबंदी करके रोक दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने करीब 150 किसानों को गिरफ्तार किया है, जिसकी वजह से सड़कों पर जाम लग गया। किसानों को गिरफ्तार किए जाने की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि सरकार ने किसानों से वादा खिलाफी और समझौते की अनदेखी की है। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी मांगे रखने, विरोध जताने का अधिकार है, लेकिन राज्य सरकार हर आंदोलन का दमन करना चाहती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। तो राजस्थान में अन्नदाताओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर ये जल्द ही शांत नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की परेशानी बढ़ना तय है। वैसे 2019 चुनाव से पहले पीएनबी घोटाले ने भी केंद्र की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेता इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटे हैं। वह इस मामले पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने तो वित्त मंत्री अरुण जेटली का इस्तीफा तक मांग लिया है। ये पूरी दुनिया जानती है कि ये घोटाला बीजेपी के राज में हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीरव मोदी ने बड़े बड़े लोगों की मदद से 11,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले को अंजाम दिया है। तब भी इस मामले पर ना तो पीएम मोदी कुछ बोलते हैं, ना ही वित्त मंत्री अरुण जेटली। जबकि केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारमण और प्रकाश जावड़ेकर, जिनका बैंकिंग से कोई सीधा संबंध नहीं है, सरकार का बचाव कर रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली से इस्तीफे की मांग करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि महाघोटाले से देश की बैंकिंग प्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है, इसलिए नैतिकता के आधार पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब कांग्रेस की पूरी फौज घोटाले को लेकर बीजेपी के खिलाफ हमला करने के लिए निकल पड़ी है, जिससे बचना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी को बेदाग साबित करने के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली अपनी चुप्पी कब तक तोड़ते हैं। रिपोर्ट। वैसे मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले 24 फरवरी को कोलारस और मुंगा वाली विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जगह जगह जनसभाएं की, तो वहीं कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई रैलियों को संबोधित कर पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के कोलारस और अशोकनगर के मुंगावली में होने वाला उपचुनाव रोचक होता जा रहा है। सत्ता में 15 साल से राज कर रही बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस ने जी जान लगा दी है। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने सभी नेताओं की टीम चुनावी क्षेत्रों में उतार दी। आज कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ,
कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया, प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव समेत सभी नेता कोलारस और मुंगावली में एक साथ जनता के बीच पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी सरकार पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुंगावली में विकास नहीं कर पाई है क्योंकि उनकी मंशा विकास की नहीं है। सूबे में कितना विकास हुआ इस बात से सभी वाकिफ है। तो एक तरफ कांग्रेस एक्शन मोड में है, वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी कांग्रेस से पीछे नहीं। प्रचार के आखिरी दिन आज बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री चौहान, प्रदेशाध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के अलावा सरकार के एक दर्जन से ज्यादा मंत्री विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे और जनता के बीच जाकर 5 महीने के लिए इन क्षेत्रों का नेतृत्व पार्टी उम्मीदवार को देने की अपील की। आपको बता दें कि मुंगावली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह कालूखेड़ा के निधन के कारण उपचुनाव हो रहा है। यहां पर कांग्रेस ने ब्रजेंद्र सिंह यादव और बीजेपी ने बाई साहब यादव पर दांव खेला है। वहीं कोलारस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम सिंह यादव के निधन के कारण यहां उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने यहां से महेंद्र सिंह यादव और बीजेपी ने पूर्व विधायक देवेंद्र जैन को चुनावी मैदान में उतारा है। इन उपचुनाव के नतीजे 28 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। डीवी लाइव की रिपोर्ट। अब बात गुजरात में पाटीदारों के आरक्षण के लिए आंदोलन का अलग जगाने वाले नेता हार्दिक पटेल की, जिनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने के लिए देशद्रोह का आरोप झेल रहे हार्दिक को अहमदाबाद की सेशन कोर्ट ने झटका देते हुए साफ कर दिया है कि सबूतों के बिना पर हार्दिक को देशद्रोह के केस का सामना करना पड़ेगा। दरअसल गुजरात पुलिस ने अक्टूबर 2015 में एक वीडियो के आधार पर हार्दिक पटेल और उनके 5 साथियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। इस वीडियो में हार्दिक अपने समर्थकों से यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि वे पाटीदार समुदाय के आरक्षण के लिए या तो पुलिस वालों को मार दें या फिर आत्महत्या कर लें। हार्दिक पर आरोप लगा था कि उन्होंने हिंसा भड़काई ताकि सरकार पर दबाव बनाकर उनकी मांगों को पूरा करवाया जा सके। केस दर्ज होने के बाद हार्दिक ने अहमदाबाद की सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि क्राइम ब्रांच की ओर से दाखिल चार्जशीट में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसीलिए उन्हें आरोप मुक्त कर देना चाहिए। लेकिन अदालत ने सबूत ना होने की उनकी दलील को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि उन पर केस चलेगा। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल के खिलाफ केस बनता है और उन्हें इसका सामना करना चाहिए। इस मामले में हार्दिक पटेल फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात रूढ़िवादी विचारधाराओं को लांघ कर नई शुरुआत करते सऊदी अरब की। सऊदी अरब अब पहले की तरह बंद समाज नहीं रहा। रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलकर अब वहां भी महिलाओं को आजादी दी जा रही है। पहले उनके लिए सिनेमा के दरवाजे खोले गए, अब ग्लैमरस इंडस्ट्री में भी महिलाएं कदम रखने जा रही हैं। जी हाँ, सऊदी अरब में अब पहली बार फैशन वीक आयोजित होने जा रहा है जिसमें कई बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी। सऊदी अरब में पहला फैशन वीक होने जा रहा है। इस फैशन वीक की शुरुआत 26 मार्च से होगी और यह 31 मार्च तक चलेगा। ये शुरुआत केवल यहीं खत्म नहीं होगी, इसके बाद दूसरा एडिशन अक्टूबर में होगा। पेरिस और मिलान में होने वाले फैशन वीक की तरह इंटरनेशनल फैशन वीक में शामिल ये इवेंट काफी खास होने वाला है। इस इवेंट में लोगों को ड्रेस खरीदने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। अगर किसी को मॉडल की कोई ड्रेस पसंद आती है तो वो उसे वहीं ऑर्डर कर सकेंगे। दुबई के अरब फैशन काउंसिल ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि यह पहला फैशन वीक रियाद के इको फ्रेंडली एपेक्स सेंटर में होगा। इसकी तैयारियां अभी से शुरू की जा चुकी हैं। इसका अध्यक्ष सऊदी की प्रिंसेस नोरा बिंद फैजल अल साउद को बनाया गया है। प्रिंसेस नोरा बिंद का कहना है कि रियाद में होने वाला ये फैशन वीक एक वर्ल्ड क्लास इवेंट होगा। फैशन सेक्टर में ये नई शुरुआत टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ट्रेवल एंड ट्रेंड में भी बदलाव लेकर आएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग इन करें dblive.tv। नमस्कार।